काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी सी कूल राइड, यानी कि बहुत दिनों क्या बहुत दिनों बाद भी याद करता हूँ क्योंकि काफ़ी राइडर्स के साथ मेरी बहुत टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट गर्ल्स में निकल चुका हूँ अपने घर से चाय वाय पी के एकदम मस्त, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे 5 बजे पहुँचना था और 5 यहीं बजे हैं, ठीक है। तो भाई चलो चलते जल्दी अपनी बाइक को वॉर्म अप करते हैं, अपने आप को वॉर्म अप हो चुके हैं और अभी हम घर से निकल गए हैं बाहर। देखा बहुत दिनों बाद बाइक चलाने दिख रहा होगा बहुत प्यारा था काम अब चेंज करते हुए बाहर चेंज करते पता ऐसे काम कर रहे हैं काम कौन कर फिलहाल बाकी अब क्या करिए तो चलो आगे दिखाते हैं आपको अपने हाईवे करिए। तो गाइस अभी मैं आ चुका अपने घर के पास रह गया जहाँ से मैं वाहेगुरु जी का ब्लेसिंग्स लेने के लिए वाहेगुरु जी की दुआएं लेने के लिए तो भाई को जयपाल साहब वाहेगुरु जी की फतेह आप निकलते हैं यहाँ से। हमारे अर्जुन भाई का फ़ोन आ गया है, मैसेज आ चुका है भाई का क्या कब तक होगी तो बताया मुझे कब तक होगा बस चलते हैं अभी। तो गाइस अभी अभी यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न क्योंकि जी एन टी के साइड जाना है हमको, जी एन टी पे हमारा मीटिंग पॉइंट है। टेन के बाद फिर हम जाएंगे अपने फार्म हाउस जहाँ पर हमारी बुकिंग हो रखी है फिर होती, ठीक है। बुकिंग फॉर्म बाय एडमिन साहब हमारे, यार नीचे नहीं होता यार बहुत मत हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है
तुम्हारा ऐसी आवाज़ में अगर बात करी ना क्या तुम्हारा ऐसी आवाज़ में अगर बात करी ना फिर बताओ कैसे हो आपको तो पहले नींद आ रही है मैं सोए 3:30 था ग्रुप में मैसेज डाल देते ना आयरिश हिमालयन न्यू मॉडल अपडेट पल्सर एम एस सारी बाइकें हैं तो सब यहाँ से फ्री ऑफ कर रहे हैं हम लोग दिखा देते हैं आपको
गाइस बैलेंस जी वो नाच के दिखाओ नाच के भाई स्टिकर है क्या यार स्टिकर एक पड़ा हुआ था मैंने दे दिया चलो कोई नहीं बाद में दे दिया है
मैं आ जा बिगड़े हैं पिले अपना है तनी। मजा आया और जो मैंने बीच बीच में शॉर्ट्स डाले हैं तो वो जरूर देखना, ठीक है। और इस राइड में जो पहली मतलब दूसरी पूल राइड थी हमारी, ठीक है, तो इस राइड में जब मैं पूल के अंदर गिरा फर्स्ट टाइम, मतलब गिरा था सेकंड टाइम, आज फर्स्ट टाइम गिरा, तो जैसे गिरा तो वो था करीब 6 फीट गहरा और मैं करीब 4.5 या 5 फुट का होऊंगा। तो मैं जब गिरा उस पर तो मैं पूरा अंदर चला गया, मैं पूरा डूब चुका था अंदर। बहुत अच्छा हुआ, हमारे काफ़ी राइडर्स के मेंबर्स इतने अच्छे अच्छे हैं कि उन्होंने मेरे को बचा लिया, वरना तो मैं डूब भी जाता आज, है ना। तो बस यही था कॉन्सेप्ट कि हम लोग आज पूल राइड पे कर छोटी सी अपनी लॉर्ड स्प्लेंडर के साथ, ठीक है। और लॉर्ड स्प्लेंडर इतनी बहुत ही अच्छा है, अभी फिलहाल तो सर्विस मांग रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है ये। टिल देन गुड डे, हैव अ नाइस डे, द साइनिंग ऑफ व्लॉग अप, बाय गाइस। तो देखो सर्विस का साइन आ गया, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है। हाँ, ये आ चुका है ओडोमीटर और ये आ चुका है सर्विस का साइन। तो अभी पूरी सर्विस मांग रही है, पर की सर्विस का ब्लॉग बना नहीं सकते क्योंकि अंदर ऑथराइज शो में मना है बनाना, परमिशन लेंगे तो मैं बना भी दूंगा सर्विस का ब्लॉग। बाकी वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट जरूर बताना मेरे को। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट जो कि होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और आपने नैनीताल वाला पार्ट कैसा लगा और उत्तराखंड वाली एपिसोड कैसी लगी आपको मेरे को कमेंट से ज़रूर बताना। और हाँ, तो आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ एक या तो सोलो ट्रिप या तो ग्रुप के साथ ट्रिप दिल्ली से बाहर का दोबारा से, ठीक है। तो उसका भी मैं शॉर्ट आउट करूँगा इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की आईडी ये पॉपअप हो रही है यहाँ पर, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे तो कर ही रखा है तुमने, फिर कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, राइड ख़त्म हो चुकी है अपनी, ठीक है। और इस राइड पे मतलब बहुत